नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ नेहा वर्मा। मध्य प्रदेश में आखिरकार वही हुआ जिसकी उम्मीद की जा रही थी। कोरोना की वजह से कमलनाथ सरकार को फ्लोर टेस्ट से फिलहाल राहत मिल गई है। स्पीकर ने मध्य प्रदेश विधानसभा को 26 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया है। विधानसभा में राज्यपाल लालजी टंडन के भाषण की शुरुआत में ही टोका टोकी शुरू हो गई थी। बीजेपी की तरफ से नरोत्तम मिश्रा ने राज्यपाल से कहा कि जो सरकार अल्पमत में है, क्या राज्यपाल उसकी सरकार की तारीफ की कसीदे पढ़ने आए हैं? इसके बावजूद लालजी टंडन बोलते रहे। फिर राज्यपाल ने एक मिनट से भी कम में अपने भाषण को खत्म कर दिया। उन्होंने अंत में यह कहा कि विधायक मध्य प्रदेश के गौरव की रक्षा करे और संविधान के नियमों का पालन करे। सदन में फ्लोर टेस्ट की मांग को लेकर भाजपा ने हंगामा किया। संसदीय कार्य मंत्री गोविंद सिंह ने स्पीकर एनपी प्रजापति से कोरोना वायरस के खतरे का हवाला देकर विधानसभा की कार्यवाही 26 मार्च तक स्थगित करने की सिफारिश की। स्पीकर एनपी प्रजापति ने उनकी बात मानते हुए सदन की कार्यवाही स्थगित करने का फैसला किया। आप भी सुनिए राज्यपाल लालजी टंडन ने और क्या कुछ कहा। माननीय सदस्यों को शुभकामनाओं के साथ ये सलाह देना चाहता हूं कि प्रदेश की जो स्थिति है उसमें जिसका जिसका अपना दायित्व है वो शांतिपूर्ण तरीके से निष्ठापूर्वक और संविधान के द्वारा निर्देशित परंपराओं के अलावा नियमों के साथ उसका पालन करें, ताकि मध्य प्रदेश का जो गौरव है, लोकतांत्रिक परंपराएं हैं, उनकी रक्षा हो सके। ये मैं आपको सलाह देने के लिए मैंने ये किया। आपको बता दें कि सभी भाषण के बाद मुख्यमंत्री कमलनाथ धन्यवाद प्रस्ताव देंगे, लेकिन अभी तक यह साफ नहीं है कि फ्लोर टेस्ट होगा या नहीं। राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान कहा कि प्रदेश की जो स्थिति है उसमें जिसका अपना जो दायित्व है उसका शांतिपूर्ण निष्ठापूर्वक और संविधान के द्वारा निर्देशित परंपराओं नियमों के अनुसार पालन करें, ताकि मध्य प्रदेश का गौरव और लोकतांत्रिक परंपराओं की रक्षा हो सके। राज्यपाल के सदन में आने पर बीजेपी विधायक नरोत्तम मिश्रा ने कहा था कि राज्यपाल को अल्पमत की सरकार का अभिभाषण नहीं देना चाहिए। इससे पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने वर्तमान स्थितियों को लेकर राज्यपाल लालजी टंडन को सोमवार को पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने कहा कि जब तक विधायक बंदिश से बाहर नहीं आ जाते और पूर्ण रूप से दबाव मुक्त नहीं होते, तब तक फ्लोर टेस्ट कराने का कोई औचित्य नहीं है। ज्ञात हो कि राज्यपाल लालजी टंडन ने बीते दो दिनों में मुख्यमंत्री कमलनाथ को पत्र लिखकर फ्लोर टेस्ट कराने की बात कही थी। इसी को मुख्यमंत्री कमलनाथ ने 6 पेज का पत्र लिखकर जवाब दिया है। मुख्यमंत्री द्वारा सोमवार को राज्यपाल लालजी टंडन को भेजे गए पत्र में कहा है कि राज्य के विधायक कर्नाटक पुलिस के नियंत्रण में भाजपा द्वारा रखे गए हैं और उन्हें तरह तरह के बयान देने को मजबूर किया जा रहा है। इस स्थिति में फ्लोर टेस्ट का कोई औचित्य नहीं है, इस बात से पहले आपको अवगत करा चुका हूं। ऐसा कराया जाना अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक भी होगा। कमलनाथ ने अपने पत्र में आगे लिखा कि फ्लोर टेस्ट का तभी औचित्य है जब सभी विधायक बंदिश से बाहर हो तथा पूर्ण रूप से दबाव मुक्त हो। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पूर्व में 13 मार्च को राज्यपाल को लिखे गए पत्र का जिक्र करते हुए कहा है कि मैंने आपको अवगत कराया था कि भाजपा द्वारा कांग्रेस पार्टी के कई विधायकों को बंदी बनाकर कर्नाटक पुलिस के नियंत्रण में रखा गया है। राज्यपाल ने पूर्व में लिखे पत्र में कहा था कि उन्हें प्रथम दृष्टता लगता है कि यह सरकार अल्पमत में है, बहुमत खो चुकी है। इसका जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने राज्यपाल को लिखा है कि आपके द्वारा सरकार के बहुमत खो देने की बात से ऐसा प्रतीत होता है कि आपने भाजपा से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर ऐसा मान लिया है। इस संबंध में विधिक प्रावधान स्पष्ट है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री से पृथक हुए ऐसे किसी समूह का संज्ञान नहीं ले सकते जो संविधान की अनुसूचित 10 में वर्णित मापदंड 2/3 बहुमत को पूरा नहीं करते हैं। मुख्यमंत्री ने 6 पेज के अपने पत्र में न्यायालयों के कई फैसलों
और मुख्यमंत्री व विधानसभा अध्यक्ष की शक्तियों का भी जिक्र किया है। आइए आपको दिखाते हैं मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पत्रकारों से और क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। एक साल में 3 दफा अपना आप बहुमत सिद्ध किया जी। अगर कोई कहे कि हमारा बहुमत नहीं है जी जी। अरे नहीं, वो स्वतंत्र है, अविश्वास प्रस्ताव ले आए जी जी। ये अविश्वास प्रस्ताव क्यों नहीं लाते जी? यही कहते हैं कि हमारे पास बहुमत नहीं है, अविश्वास प्रस्ताव ले। उनका कहने से कोरोना की आड़ में बहुमत से साबित करने से बच रही है सर, कोरोना का बहुमत से बच नहीं रहे। हम तो उनसे कह रहे हैं कि अगर आप कहते हो कि हमारी बहुमत नहीं है तो आप अविश्वास प्रस्ताव ले आइए। सर क्या ऐसा लग रहा है गवर्नर साहब क्यों शर्मा रहे हैं? मेरे को देना आईडी। सर गवर्नर जाएंगे क्या बेंगलुरु सर विधायकों से मिलने? मैं क्यों जाऊंगा? वहीं राजभवन से शिवराज ने कहा कि कमलनाथ की सरकार अल्पमत में है, बहुमत खो चुकी है, इसलिए राज्यपाल ने सरकार को फ्लोर टेस्ट कराने का आदेश दिया था। बहुमत होता तो सरकार को दिक्कत क्या थी? मुख्यमंत्री जानते हैं कि वे अल्पमत में हैं। सरकार डरकर मैदान छोड़कर भाग गई। कांग्रेस के सिर्फ 92 और भाजपा के 106 विधायक हैं। अब ये निश्चित हो गया है कि बहुमत भाजपा के साथ है। हमने राज्यपाल के सामने विधायकों की परेड कराई, सरकार के पास कोई अधिकार नहीं बचा है। इसके बाद भी रोज तबादले किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कमलनाथ रणछोड़दास है, कमलनाथ को अब कोरोना भी नहीं बचा सकता। राज्यपाल ने कहा कि वे हमारे हितों की रक्षा करेंगे, हम सर्वोच्च न्यायालय में भी गए हैं। आप भी सुनिए पूर्व सीएम शिवराज सिंह ने कमलनाथ सरकार पर तंज कसते हुए और क्या कुछ कहा। मत होता तो सरकार को दिक्कत क्या, लेकिन मुख्यमंत्री बच रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि ये सरकार अब अल्पमत की सरकार है और इसलिए राज्यपाल महोदय के आदेश का पालन नहीं किया, निर्देश का पालन नहीं किया और सरकार रणछोड़दास बन गई, सत्र स्थगित करके ही भाग गई। अब इस सरकार को एक क्षण भी सरकार चलाने का संवैधानिक अधिकार नहीं है। सदन की जो इफेक्टिव संख्या है, आज जो हाउस में परिदृश्य था उसको ध्यान में रखते हुए कांग्रेस के केवल 92 विधायक बचे हैं। अभी अस्थिर सरकार कोरोना से भी नहीं बचा सकती मेरे भाई, उसके लिए स्थिर सरकार की जरूरत। आइए अब आपको समझाते हैं मध्य प्रदेश विधानसभा का क्या गणित है। स्पीकर ने कांग्रेस के 6 विधायकों का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। कुल 230 सदस्य विधानसभा में 2 स्थान रिक्त है। अब कांग्रेस के 108 और बीजेपी के 107, बीएसपी के 2 और एसपी का 1 और निर्दलीय के 4 विधायक बचे हैं, यानी विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या 222 रह गई है। लिहाजा बहुमत के लिए 112 विधायकों की जरूरत होगी। इस तरह कांग्रेस के पास 4 विधायक कम है। कांग्रेस के पास एसपी, बीएसपी और निर्दलीयों की मिलाकर कुल 7 अतिरिक्त विधायकों का समर्थन हासिल है। यदि यह स्थिति रहती है तो कांग्रेस के पास कुल 115 विधायकों का समर्थन होगा, लेकिन 16 विधायकों के इस्तीफे मंजूर होने पर कांग्रेस के विधायकों की संख्या 92 ही रह जाएगी। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि मध्य प्रदेश की राजनीति में आगे और क्या कुछ होगा। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.